हेलो गाइस, सो हम लोग की बाइक का स्प्रॉकेट फ्रंट स्प्रॉकेट पूरा घिस गया था लास्ट सर्विस में। हम लोग ने ऐसा देखा था तो हमने सोचा क्यों ना इसको चेंज कराते हैं। तो मैं स्प्रॉकेट नया अपना रोल ऑन का लेके, जो कि ब्रास में आता है मतलब गोल्डन सा, तो इसको मैं लेके चलाया। ये जो मैं नट दिखा रहा हूँ, ये नट आपके फ्रंट स्प्रॉकेट के सामने लगता है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे या आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसको तोड़े बिना ये नहीं खुलता है, आपको नया लेना पड़ेगा। वो रहा हमारा पुराना स्प्रॉकेट, रियर वाला, फ्रंट वाला और हमारी चेन। इसकी हालत आप देख ही सकते हो क्या हो गई थी। मैंने रोल ऑन का ये मंगाया है, LRL मोटर शॉप से मंगाया था। ये बेस्ट स्प्रॉकेट है इस वक्त क्लासिक और अपने मेटियोर के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपनी हंटर में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। भैया ने अपना पूरा टायर निकाल दिया है इसमें, भाई मेहनत बहुत लगती है। एजेंसी पर मैंने कराने की सोची थी, पर एजेंसी वाले कुछ ज़्यादा ही चार्जेस मांग रहे थे कि मेरी सर्विस हो चुकी थी, और लेबर चार्जेस के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि इसका लेबर वो लोग लेंगे 800 रुपये, जो कि ऑन रिकॉर्ड वो लोग नहीं करना होता। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया के पास अपने आके, जिनके हमें सारा काम करवाता हूँ बाइक का, उनके घर आके करवाते हैं। तो भैया ने उसको खोल खाल दिया है, अब वो उसको रियर स्पॉकेट लगा चुके हैं। अब वो करने जा रहे हैं इसको दोबारा सेट। स्पॉकेट लगाने में भी काफ़ी टाइम लगा, भैया को काफ़ी मेहनत करता है भाई। तो ये देखिए, बाइक को स्टेयर करना पड़ता है, तब जाके ये लगता है कि भाई के पास पूरा ऐसा एजेंसीज पे होता है, एक जो बे होता है वो नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं। सो अब बारी थी शाफ्ट को वापस अंदर इंसर्ट करने की, जिस पे अपना पिछला पहिया रुका रहता है, जिसे लोग शायद धुरी भी कहते हैं। तो भैया ने पहले उस पर थोड़ा सा पुराना इंजन ऑयल लगाया, जैसा कि अपने लोकल मैकेनिक करते हैं, पुराने इंजन ऑयल का सही उपयोग। उसको दोबारा इंसर्ट किया, क्योंकि भाई ऐसे तो ये जाने से रही, इतना वेट रहता है रिम का, और वो भाई को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और खैर नॉर्मल आदमी कर भी नहीं पाता, क्योंकि इनका बहुत सारा काम है, प्रोफेशनल है, तो ये कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ये भी है कि भाई जो ये लोग काम करते हैं बाहर, एजेंसी वाले होते हैं, मतलब एजेंसी वाले ये जो बाहर मैकेनिक्स अपने काम करते हैं, ज़्यादा स्किल्ड होते हैं जो इस एजेंसी पे काम करते हैं। क्योंकि भाई इनका डे टू डे मतलब 100 चीज़ें आती हैं, उनके पास क्या है कि बस आए जनरल सर्विस करी और भेज दिया, ठीक है। जो गाड़ियाँ एक्सीडेंटल आती हैं केवल उन्हीं में थोड़ा बहुत काम करते हैं, समझा, बाकी और कुछ उनको करना नहीं रहता। और एक्सीडेंटल में भी क्या है कि मतलब आजकल तो भाई जीरो डिप्रिसिएशन चलता है, तो भाई जो भी आया उसको रिप्लेस कर दो, सीधा काम। जो भी जाना है बिल वो एजेंसी वालों की जेब में जाना है, या फिर जाएगा तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी की जेब में।